नमस्कार, BSAFF की इस श्रृंखला में हम चर्चा कर रहे हैं ऑटोमोबाइल सेक्टर के बारे में। जब भी कोई सामान्य निवेशक निवेश करता है तो पहले वो मैक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस करता है, फिर सेक्टर एनालिसिस करता है जो हम अभी कर रहे हैं, फिर करता है कंपनी स्पेसिफिक एनालिसिस और फिर अपना निवेश तय करता है। वैसे ही जब भी कोई विदेशी निवेशक किसी देश में निवेश करता है तो वे सारी चीजों के बारे में पढ़ाई कर जाता है। तो जब हम अपना सेक्टर एनालिसिस कर रहे हैं तो हम जिस कंपनी में निवेश कर रहे हैं, जिस सेक्टर में हम निवेश कर रहे हैं उसमें फॉरेन का इन्वेस्टमेंट कितना आ रहा है या विदेशी निवेशक कितना निवेश कर रहा है वो भी एक बहुत अहम रोल अदा कर सकता है। तो आज जिस विषय के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं वो है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। हम जब ऑटोमोबाइल सेक्टर के बारे में बात कर रहे थे तो हमने डिजाइनिंग डेवलपमेंट देखा, फिर मैन्युफैक्चरिंग देखा, ऑटो एंसिलरी सामान एक विशाल विषय का एक छोटा सा हिस्सा देखा, एडवर्टाइजमेंट के बदलते आयाम देखे, इंटरेस्ट रेट जो ऊपर नीचे होते हैं उसकी वजह से ऑटो सेल्स में क्या फर्क पड़ता है वो भी देखा। लेकिन आज हम जब बात कर रहे हैं FDI के इनफ्लो की, तो किसी भी देश में FDI जब आता है या विदेशी निवेशक जब निवेश करता है तो उसकी वजह से वहां का जो लोकल निवेश है उसको एक गति मिलती है, साथ ही साथ जो टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर किसी देश में होता है तो उसकी वजह से एक ह्यूमन कैपिटल का फॉर्मेशन होने में बहुत ज्यादा मदद होती है। भारत में ऑटोमोबाइल क्षेत्र एक ऐसा देश है जिसमें 100% FDI अलाउड है। अलग भी क्षेत्र है लेकिन ऑटोमोबाइल क्षेत्र ऐसा है जिसमें 100% FDI अलाउड है। 2000 से 2020 ये 20 सालों की यदि बात करनी है तो हमारे देश में कितना FDI आया है, तो हमारे देश में टोटल लगभग 27 लाख करोड़ ये हमारे देश में निवेश हुए, उसमें से 1,43,000 करोड़ ये ऑटोमोबाइल क्षेत्र में गया। कितना प्रतिशत हुआ, तो लगभग 5%। जब हमने ऑटोमोबाइल क्षेत्र की एक अलग प्लेलिस्ट बनी है और आप YouTube चैनल पर जाकर देख सकते हैं, हमने पहले सत्र में देखा कि टोटल हमारे देश के GDP में ऑटोमोबाइल सेक्टर का कॉन्ट्रीब्यूशन ये लगभग 7% का है। लेकिन जब FDI इनफ्लो हमारे देश में आ रहा है तो उसमें ऑटोमोबाइल में लगभग 5% निवेश हो रहा है। 1,43,000 करोड़ अब तक ऑटोमोबाइल क्षेत्र में निवेश हो चुका है, इसमें से ये 20 सालों में 1,43,000 करोड़ निवेश हुआ, लेकिन पिछले 5 से 6 सालों में उसमें से 50% निवेश हमारे देश में आया है। 2013 से 2019 की यदि बात करेंगे तो हर साल FDI के इनफ्लो में पॉजिटिव चेंज आया है और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में भी हर साल जो निवेश है वो हर साल बढ़ा ही बढ़ा है। जब FDI के बारे में हम जब चर्चा कर रहे हैं तो टोटल FDI का पिछले साल में जो इनफ्लो हमारे देश में आया था वो इनफ्लो उसके पिछले साल की तुलना में लगभग 14% से बढ़ा है। जहां पर टोटल इनफ्लो 14% से बढ़ा है तो ऑटोमोबाइल सेक्टर का इनफ्लो लगभग 25% से बढ़ा है। सो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के बारे में शायद विदेशी निवेशक बहुत ज्यादा बुलिश है। मेजर इनफ्लो जो हमारे देश में होता है वो मॉरिशस और सिंगापुर के रूट से होता है, लेकिन मेजर इनफ्लो जो FDI का होता है उसका जो इन्वेस्टमेंट है वो मेजरली 30% ये महाराष्ट्र लेकर जाता है और ऑटो सेक्टर का भी मेजर जो इन्वेस्टमेंट है वो महाराष्ट्र में ही होता है। पिछले साल FY 2019-20 में लगभग 19,700 करोड़ ये ऑटो सेक्टर में निवेश हुए। पूरे देश में ये सारा जो निवेश हो रहा है, हमारा देश मैन्युफैक्चरिंग में आगे जाने के प्रयास में है, पूरे देश में जितने भी पूरे दुनिया में जितने भी टोटल स्मॉल कार्स बनती है उसमें 31% स्मॉल कार्स ही भारत से जाती है। तो इट इज नॉट ओनली अबाउट नाउअडेज मेक इन इंडिया, इट इज अबाउट अटैकिंग इंडिया टू अब्रॉड। सो आने वाले दिनों में बहुत बड़े पैमाने पर या बड़े पैमाने पर FDI का इन्फ्लो हमारे देश में होगा, ऐसा कुछ ऑटो एक्सपर्ट्स कहते हैं, लेकिन हमें उसके बारे में पढ़ना बहुत जरूरी है। आज हम यहीं पर रुकेंगे। आपको हमारे सत्र पसंद आ रहा है इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट सेक्शन अपना नाम और ईमेल एड्रेस तो जरूर लिखिएगा, साथ ही साथ BSAFF और सेबी को धन्यवाद बोलना मत भूलिएगा। यह विषय इंग्लिश और मराठी में भी उपलब्ध है, YouTube चैनल पर जरूर विजिट करें। धन्यवाद।